हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पीएससी एजुकेयर। सहज रहे, सचेत रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब लैंगिक जनन क्या होता है। तो इसी में हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, बिना गैमिट के फॉर्मेशन से ही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जा रहा था। तो उसे हम लोग बोले थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसमें कुछ उल्टा है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा कि इसमें गैमिट का फ्यूजन और फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जाके डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा, डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन हमने लिख दिया। देखिए, इट इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच डॉटर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट। मतलब हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है जिसमें गैमिट के निर्माण और संलग्न से डॉटर ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होता है, तो वही कहलाता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किस किस में होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में भी होगा और हायर ऑर्गेनिज्म में भी होगा, तो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया आपका एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, और हायर ऑर्गेनिज्म हो गया जितने भी प्लांट्स है, हायर प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में भी होगा और हायर ऑर्गेनिज्म में भी होगा। तो लोअर ऑर्गेनिज्म एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, इसमें होगा, और जो है हायर ऑर्गेनिज्म में हायर प्लांट्स हो गया, हायर एनिमल्स हो गया, इंक्लूडिंग ह्यूमन, मानव में भी यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे भी हम लोग को इस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना भी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में और ह्यूमन में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन है, वही चीज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप्स है जिसमें क्या होता है, जिसमें गैमिट का फ्यूजन और फॉर्मेशन से न्यू इंडिविजुअल का प्रोड्यूस होता है, तो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल कुछ लिखे, इसको याद रखिएगा। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइलेंट फीचर्स हम लोग जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइलेंट फीचर्स क्या होता है, तो हेडिंग देखें, साइलेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइलेंट फीचर्स यानी विशेषता क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम लोग देखे थे कि उसका साइलेंट फीचर्स क्या होता है, और यहां भी हम लोग देखेंगे कि इसका साइलेंट फीचर्स क्या होता है। तो एक एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं और बारी बारी से जानते हैं क्या होता है। पहला, इट इज इन्वॉल्व टू पैरेंट, इसको हम लोग एक वर्ड में एक टर्म देते हैं, बायपैरेंटल कंडीशन।
ये जो होगा बायपैरेंटल कंडीशन होगा। इससे पहले जो हम लोग जाने थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहां पर था यूनिपैरेंटल कंडीशन, यहां बायपैरेंटल कंडीशन होगा। गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट्स का निर्माण होगा, जब गैमेट्स का निर्माण होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। फर्टिलाइजेशन इज अकर्स, फर्टिलाइजेशन भी होगा। उसके बाद इसमें जो होगा माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल डिवीजन इज अकर्स, डिवीजन इज अकर्स। इसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल डिवीजन होगा। इससे पहले हम लोग वहां जाने थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहां पर क्या था ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व था। यहां दोनों प्रकार के होगा, माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल डिवीजन होगा। ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम पैरेंट। ऑफ स्प्रिंग जो होगा जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा पैरेंट से। वहां पर हम लोग जा रहे थे कि वहां क्या था, आइडेंटिकल था, सेम था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं इवोल्यूशन एंड वेरिएशन इज अकर्स। इसमें इवोल्यूशन और वेरिएशन पाया जाएगा, होगा। रिप्रोडक्शन रेट इज वेरी स्लो। देखिए एक एक करके फिर से हम लोग जानते हैं इसमें रिप्रोडक्शन रेट क्या होगा, काफी धीमी होगा, काफी स्लो होगा। तो देखिए एक एक पॉइंट, साइलेंट फीचर्स, इट इज इन्वॉल्व टू पैरेंट। इसमें जो होगा दो पैरेंट इन्वॉल्व होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे बाय पैरेंटल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है गैमिट्स आर फॉर्म्ड, इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज अकर्स, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा। माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन इज अकर्स, इसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों तरह के सेल डिवीजन होंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां केवल माइटोसिस सेल डिवीजन था, यहां दोनों प्रकार के माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। यहाँ जो होगा ऑफ स्प्रिंग जो होगा जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा पेरेंट से। नेक्स्ट पॉइंट इवोल्यूशन एंड वेरिएशन इज अकर्स, इसमें इवोल्यूशन और वेरिएशन होगा। क्यों होगा यहाँ इवोल्यूशन और वेरिएशन, वहां पर था नहीं होगा, यहाँ होगा। मतलब यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है और मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ही यहाँ पर इवोल्यूशन और वेरिएशन होगा। वहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा था, वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था, इसीलिए इवोल्यूशन और वेरिएशन वहां नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इवोल्यूशन और वेरिएशन दोनों होगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन रेट इज वेरी स्लो, यहाँ रिप्रोडक्शन रेट जनन दर यहाँ काफी क्या होगा, धीमा होगा, वहां पर था काफी फास्ट था। तो ये साइलेंट फीचर्स है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइलेंट फीचर्स हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या घटनाएं हैं होती है। तो देखिए यहाँ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से क्या बनता है, गैमिट कैसे बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है या पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है, ये सारा चीज हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ हेडिंग देंगे इवेंट ऑफ सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या घटनाएं घटती है, तो तीन तरह की घटना घटती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तीन तरह के घटना घटती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब हो गया कि फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। तो देखिए प्री फर्टिलाइजेशन है पहला, दूसरा फर्टिलाइजेशन है, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन जो होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन ये भी दो तरह के होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन जो होता है दो तरह के होते हैं, एक है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और गैमेट ट्रांसफर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो मेल होगा तो मेल गैमेट बनेगा, फीमेल होगा फीमेल गैमेट बनेगा। तो यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद गैमेट का ट्रांसफर होगा। तो किस तरह से होगा, तो हेडिंग देंगे हम लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या है, इट इज द फॉर्मेशन प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट इन द गोनाइड, इन द गोनाइड दैट गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो गैमेटोजेनेसिस एक फॉर्मेशन प्रोसेस है, निर्माणकारी प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट इन द गोनाइड। गोनाइड में मेल गैमेट या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वही कहलाएगा गैमेटोजेनेसिस। तो ये भी दो तरह के होता है, इट इज आल्सो टू टाइप्स, दो प्रकार के होता है। पहला एस्परमेटोजेनेसिस, एस्परमेटोजेनेसिस ये होता है एनिमल में, फॉर एनिमल, एनिमल्स में जो होता है एस्परमेटोजेनेसिस होता है।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये जो होता है फॉर प्लांट्स और पौधा में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। दूसरा है ऊजेनेसिस, ये है फॉर एनिमल्स और प्लांट के लिए हम लोग देखेंगे तो होगा मेगा एस्पोरोजेनेसिस, ये होगा फूड प्लांट के लिए। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार के, स्पर्मेटोजेनेसिस या माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा एनिमल के लिए होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा प्लांट के लिए होगा, और ऊजेनेसिस फॉर एनिमल के लिए होगा और मेगा स्पोरोजेनेसिस फॉर प्लांट प्लांट के लिए होगा। यह दो तरह के होता है, दोनों को हम लोग अलग अलग देखते हैं कि क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, या इसी में हम लोग देखे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट हम लोग देखे थे ऊजेनेसिस, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का फॉर्मेशन होगा, और एक था मेगा एस्पोरोजेनेसिस। तो मेगा एस्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ एग, एग का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस हम लोग देखे, गैमेटोजेनेसिस दो तरह के होता है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि एनिमल में होता है, एक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्लांट में होता है। उसके बाद है ऊजेनेसिस जो प्लांट में फीमेल में होता है, और मेगा एस्पोरोजेनेसिस जो होता है प्लांट का फीमेल में होता है। तो देखिए यार स्पर्मेटोजेनेसिस है और ऊजेनेसिस, ये क्या प्रोसेस है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, ऊजेनेसिस है ओवम का फॉर्मेशन होगा, और मेगास्पोरोजेनेसिस में एग का फॉर्मेशन होगा। ये था, ये जो है एनिमल के लिए है, ये भी एनिमल के लिए है, और ये जो है ये दोनों प्लांट के लिए है। तो ये हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहां पर इसके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पोलन ग्रेन्स होता है, कैसे बनता है, वो कहां पर बनता है, वो हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो वहां पर हम लोग जानेंगे इसके बारे में, और यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो वहां जानेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऊजेनेसिस ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, वहां पर हम लोग ये चीज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ रहे हैं कि किस तरह से होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, ऊजेनेसिस में ओवम का फॉर्मेशन होगा, और मेगा एस्पोरोजेनेसिस में एग का फॉर्मेशन होगा। तो यही था स्पर्मेटोजेनेसिस ऊजेनेसिस सबके बारे में, मतलब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ये चीज हम लोग यहां जाने। अब हम लोग जानेंगे कि गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हेडिंग देंगे गैमेट ट्रांसफर, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेल डिविजन थोड़ा सा। सेल डिवीजन
ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस में सेल डिवीजन कैसे होता है, कहां पर होता है, वही चीज हम लोग यहां जानेंगे। तो देखिए सेल डिवीजन 11th क्लास में हम लोग चैप्टर है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वहां पर तो पढ़ते हैं, यहां पर भी हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है सेल डिवीजन। अगर मान लीजिए कि 2n मतलब डिप्लॉयड सेल है और वो डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड डॉटर सेल बना, डिप्लॉयड डॉटर सेल बना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है यहां, तो यहां पर हो रहा है माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन ये हो गया पैरेंट है और ये डॉटर ऑर्गेन डॉटर सेल है, पैरेंट सेल हो गया डॉटर सेल हो गया। तो पैरेंट सेल में अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है 2n है मतलब डिप्लॉयड है और डॉटर सेल भी डिप्लॉयड हुआ तो माइटोसिस होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए n है मतलब हैप्लॉयड है, पैरेंट सेल हैप्लॉयड है और इससे जो बना डॉटर सेल, ये डॉटर सेल भी हैप्लॉयड है, ये डॉटर सेल भी हैप्लॉयड है, तो ये कौन सा सेल डिवीजन होगा, तो ये सेल डिवीजन होगा, ये भी होगा माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। अब देखिए तीसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए 2n है पैरेंट सेल डिप्लॉयड है, पैरेंट सेल डिप्लॉयड है और इससे जो इसमें सेल डिवीजन होगा और डॉटर सेल जो होगा मान लीजिए हैप्लॉयड हुआ, पैरेंट सेल डिप्लॉयड है डॉटर सेल हैप्लॉयड हुआ, ये दोनों डॉटर सेल है, डॉटर सेल हैप्लॉयड हुआ, तो ये कौन सा सेल डिवीजन होगा, ये होगा मियोसिस सेल डिवीजन। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखिएगा, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस में सेल डिवीजन कैसे होता है। तो अगर मान लीजिए 2n है पैरेंट सेल क्या है 2n है मतलब डिप्लॉयड है और डॉटर सेल भी डिप्लॉयड हुआ तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। अगला कंडीशन है कि अगर पैरेंट सेल हैप्लॉयड है और डॉटर सेल भी क्या है हैप्लॉयड है तो यहाँ इस सेल डिवीजन जो कहलाएगा माइटोसिस सेल डिवीजन कहलाएगा। लेकिन पैरेंट सेल अगर डिप्लॉयड है 2n है और उसका डॉटर सेल हैप्लॉयड है तो ये मियोसिस सेल डिवीजन होगा। तो यही मियोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है और इवोल्यूशन एंड वेरिएशन होता है। तो ये सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन गैमिटोजेनेसिस के दौरान होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि गैमिट ट्रांसफर कैसे होता है। गैमिट ट्रांसफर, गैमिट ट्रांसफर इट इज द प्रोसेस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच
थॉर्न गैमिट मस्ट बी रिच फॉर फर्टिलाइजेशन। तो गैमिट ट्रांसफर है, गैमिट ट्रांसफर में क्या होता है, गैमिट ट्रांसफर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक प्रक्रिया है जिसमें गैमिट जो होगा वो गैमिट फर्टिलाइजेशन के लिए वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। तो कैसे पहुंचता है, तो गैमिट जो होगा, अगर मान लीजिए मेल गैमिट है, आगे हम लोग देखेंगे मेल गैमिट होता है स्पर्म है, या फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट ओवम है। अभी हम लोग पढ़े थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओजेनेसिस जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना है, तो फर्टिलाइजेशन में से पहले स्पर्म का निर्माण होगा, ओवम का निर्माण होगा, और ये दोनों का एक दूसरे से कॉन्टेक्ट होना इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ कैसे यहाँ स्पर्म जाएगा ओवम के पास या ओवम आएगा स्पर्म के पास, तभी जाकर के क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि स्पर्म ओवम के पास जाता है, स्पर्म जो है ओवम के पास जाएगा, तब कॉन्टेक्ट होगा, फ्यूजन होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां पर जाएगा कि स्पर्म ही क्यों जाएगा ओवम के पास, ओवम क्यों नहीं आएगा स्पर्म के पास, ये भी देखिए आप। होता क्या है कि स्पर्म जो होता है, ये स्पर्म मोटाइल होता है, मतलब गतिशील होता है, और ओवम जो होता है नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, ओवम नॉन मोटाइल होता है। तो ये इसीलिए मोटाइल होता है स्पर्म, तो स्पर्म जाता है कहां, ओवम के पास जाता है। तो ये मोटाइल होता है इसीलिए, और ये क्या होता है नॉन मोटाइल होता है इसलिए। प्लांट में क्या होता है, ये प्लांट में जो इसका गैमेट का ट्रांसफर होगा, तो प्लांट में मेल गैमेट जो होगा, देखिए प्लांट का, प्लांट में जो मेल गैमेट होगा वो मेल गैमेट होगा पोलन ग्रैंड, और फीमेल गैमेट जो होगा वो होगा एग। तो ये जो पोलन ग्रेन्स पहुंचेगा एग के पास, तो ये जिस प्रोसेस के द्वारा जाएगा उसको कहते हैं पोलिनेशन, पोलिनेशन। तो ये जा सकता है किसके किसके द्वारा जा सकता है, तो ये वाटर के द्वारा जा सकता है, एयर से जा सकता है, एनिमल से जा सकता है, बैट्स है, या सेल्फ भी जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन, कि वाटर एयर एनिमल्स बैट्स सेल्फ खुद से भी जा सकता है इटीसी। तो ये जाएगा इसके द्वारा और तब जाकर के होगा फर्टिलाइजेशन, तब यहां होगा फर्टिलाइजेशन। तो ये यहां पर पहुंचना काफी जरूरी है, यहां पर पहुंचेगा एक के पास तभी ये क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जायगोट बनेगा, और जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अगर ये नहीं पहुंचेगा तो फिर दिक्कत, तब जाकर ये फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो गैमेट का ट्रांसफर हम लोग देखे कि एनिमल में कैसे होता है, तो एनिमल में स्पर्म है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट ओवम है, तो स्पर्म जो होगा ओवम के पास जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो जाएगा क्योंकि ये मोटाइल होता है स्पर्म, तो इस जाएगा। और यहाँ पर मेल गैमिट जो है ये प्लांट में पोलन ग्रेन्स है, ये कैसे जाएगा, तो ये हवा के द्वारा या वाटर के द्वारा, एनिमल बैट्स या खुद से जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन, इस प्रक्रिया द्वारा जाएगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे होगा। तो ये गैमिट का ट्रांसफर था। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट। तो पहला था प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस हो रहा था, एक गैमिटोजेनेसिस जिसमें हम लोग देखे कि गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है,
उसके बाद था गैमेट ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है ये भी हम लोग जाने। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या है? तो निषेचन है जब स्पर्म या मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, फ्यूजन करेगा, तब वही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन। इट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय व्हिच फ्यूजन ऑफ अ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर डिप्लॉइड जायगोट।